हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 बनाना रहेगा। और ऐसा ही पैटर्न 2023 बोर्ड परीक्षा का रहेगा, और 2023 बोर्ड परीक्षा में इसी मॉडल पेपर से प्रश्न आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ की हैं। तो ये दक्षिण भारत की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो शर्म न रहना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि निबंध के रचनाकार कौन हैं। तो गुणाकर मूल्य हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है एकवचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्विगु समास क्या होता है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छः नंबर प्रश्न है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। तो आविन्यो है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिव्यक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जो उपसर्ग होता है ये शब्द के पहले लगता है। तो कैसे हम पता करेंगे कि अभिव्यक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका हम उच्चारण करेंगे, बोलेंगे। तो जब हम बोलेंगे अभिव्यक्त, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? अभी आ रहा है। तो अभी इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो जो काशी है ये संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दस नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो जो मीनाक्षी मंदिर है ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर क्या है। तो ये एक कविता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लौट कर आऊँगा फिर कविता किसने लिखा है? तो जीवानंद दास जी ने लिखा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
12 नंबर प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ इसमें से कौन सा है, तो एक वृक्ष की हत्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पाठ है नौबत खाने में इबादत, यह साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये व्यक्ति चित्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, तो 8वीं सदी से मिलने लगे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपए का चोरी का झूठा इल्जाम लगा था, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो ये नेपाल का रहने वाला था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर जी की है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि सीता रुवासी क्यों हो गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता रुवासी क्यों हो गई थी, तो अपना काला ओढ़ना देखकर सीता रुवासी हो गई थी, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख, नख का अर्थ होता है नाखून, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पर यहाँ पे पसंद करते थे, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो ये पशुता का प्रतीक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 23 नंबर।
23 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ है, यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ है, तो जो हिरोशिमा है ये जापान में है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था, तो अमेरिका ने गिराया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि प्रयत्न मानव का अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन मानव होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि दोहा कोष किसकी रचना है, यहाँ पे आपको बताना है कि दोहा कोष किसकी रचना है, तो यह सरफपाद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि बेतमा कहाँ है, यहाँ पे आपको बताना है कि बेतमा कहाँ है, तो जो बेतमा है ये इंदौर के पास स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बेतमा दान पत्र कितना वर्ष पुराना है, तो 1020 वर्ष पुराना है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, यहाँ पे आपको बताना है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपए खो गए थे, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसका चोरी का आरोप किस पे लगा था, तो बहादुर पे लगा था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर कौन थे, यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर कौन थे, तो जो शेक्सपियर थे ये नाटककार थे, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1964 में हुआ, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब बिरजू महाराज 27 वर्ष के थे तो उनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सुजान रसखान किसकी रचना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि सुजान रसखान किसकी रचना है, तो ये रसखान की रचना है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि सुलोचना क्या थी, यहाँ पे आपको बताना है कि जो सुलोचना थी वो क्या थी, तो सुलोचना अभिनेत्री थी, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि टॉलस्टॉय कौन थे, यहाँ पे आपको बताना है कि टॉलस्टॉय कौन थे, तो जो टॉलस्टॉय थे ये एक रूसी लेखक थे, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो टॉलस्टॉय ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ननकाना साहब में हुआ था, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ननकाना साहब कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, इसे आपको याद रखना है। और जो गुरु नानक देव हैं ये सिखों के प्रथम गुरु हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि रही रास किसकी कृति है, यहाँ पे आपको बताना है कि रही रास किसकी कृति है, तो गुरु नानक की कृति है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गुरु गोविंद सिंह हैं इनका जन्म पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, और ये सिखों के 10वें गुरु हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर।
36 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि रसखान की भक्ति कैसी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान की भक्ति कैसी थी, तो सगुण भक्ति थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, तो महात्मा गांधी जी चाहते थे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू जी थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्वदेशी शीर्षक पाठ है इसमें जो कविता है वो किस छंद में है, तो ये दोहा के रूप में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल है। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल कौन है, तो मदन का पिता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गिरधर लाल था ये सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि संतु डैंस के मारे कांप रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि संतु किसके कारण से कांप रहा था, तो ठंड के कारण से कांप रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि बहुव्रीहि समास में, यहाँ पे आपको बताना है कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो अपना देश भारत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि कमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बिहार राज्य में हुआ था, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कमरुद्दीन किनका बचपन का नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो पुनर्जन्म नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैंस के निवासी थे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिस्मिल्लाह खां के परदादा थे सलार हुसैन, वो कहाँ के निवासी थे, तो डुमराव के निवासी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी के लेखक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी के लेखक कौन हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 49 नंबर।
49 नंबर प्रश्न है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्म जोड़ आत्मा होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल थी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें से आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन थी, तो जन्म से ही पागल मंगू थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न की निबंध है, इसमें से आपको बताना है कि कौन निबंध है, तो परंपरा का मूल्यांकन ये एक निबंध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि संगीत शास्त्रंग सुषिरवाधो में है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुषिरवाधो में क्या है, तो सुषिरवाधो में सहनाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है, इसमें से आपको बताना है कि कौन शुद्ध शब्द है, तो जो रोशन लिखा हुआ है ये शुद्ध लिखा गया है, यानी सही लिखा गया है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर डैंस के विद्वान थे। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे, तो ये जर्मनी का विद्वान थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकारक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकारक कौन हैं, तो सावर दहिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये बुढ़ापा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो जो प्रत्यय होता है ये शब्द के आखिर में यानी लास्ट में लगता है, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो इसका हम उच्चारण करेंगे बुढ़ापा। तो यहाँ पे जब हम बुढ़ापा बोलेंगे तो लास्ट में आपा आएगा, तो यहाँ पे आपा इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने बेटे थे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के 3 बेटे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है, इसमें से आपको बताना है कि कौन शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे देखिए यह मेरी पुस्तक, ये क्या है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। यहाँ पे आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है, तो बाढ़ की समस्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो जो उपसर्ग होता है ये शब्द के पहले लगता है, तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे अभाव, तो यहाँ पे देखिए शुरू में क्या आ रहा है, सबसे पहले अभाव यानी अ आ रहा है, तो इसमें अ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम हिंदी के 60 एक मॉडल पेपर के 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और इसी मॉडल पेपर से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04, इस पर आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप लोग कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल के दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।